बीते दिनों काजी मोहल्ला में एक नशेड़ी व्यक्ति ने अखबार के हॉकर पर तेज धार हथियारों से हमला कर उसे घायल कर उसे नकदी व उसका पर्स छीन लिया था। इस मामले को लेकर उसने सिविल अस्पताल में अपनी एमएलआर कटवाई थी। लूट की इस वारदात की शिकायत पीड़ित पक्ष ने थाना 3 की पुलिस को भी दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते पीड़ित दीपक कोहली दैनिक सवेरा के माध्यम से पुलिस से अपील की है कि वह इस मामले के आरोपी को काबू करे। सर मैं होकर लगा रही कलेक्शन कर रहा वारदा करना अपना मैं कलेक्शन कर रहा थी गाजी मोहल्ले के बीच तो उत्थे कहीं छड़िया मुंडा उन्हें मेरे पैसे खोने की कोशिश की तो मैंने हाथोंपाई की तो पैसे जो तो मेरे नीचे डिगे उन्हें वो चक ले तो मैं अपने पैसे इकट्ठे कर लगा तो इन्नी देर जी मेरे सिर में कोई चीज़ नुखीली जी मार के तो मेरे 6 टांके लगे सिर में तो दोबारा उन्हें वार किया तो मैं अपना हाथ अगे कर लिया तो हाथ की हड्डी भी मेरी क्रैक हो गई है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल तो मैं रात का फोन किया पुलिस को तो वो बंदा घर सुता कर राती अपने पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो नंबर की आप चाहते हैं जी इतने कार्रवाई की जाए इदा दिन छड़ी बंद इदा अज ना साढ़े ना वारदा तो ये गलू किसी होर ना होगी तो मैं काम करने जोगा भी नहीं रहा मेरे हाथ क्रैकिंग आ गई सारा मेरा काम भी बंद हो गया।